रानीगंज नाम का एक गांव था। गांव का बस नाम रानीगंज था क्योंकि वहां का जमींदार बहुत दुष्ट और पापी था। लोगों के पैसे ऐंठना उसका काम नहीं बल्कि जीवन बन चुका था। मालिक, ये पैसे मैंने अपनी बची हुई जमीन बेची है उसके हैं। बाकी जमीन आपके पास पहले से ही गिरवी रखी हुई है मालिक। और वो जमीन बेची किसे? मुझे क्यों नहीं बेची? मैंने वो जमीन आपके छोटे भाई रुद्रा ठाकुर को बेची। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे दे देना वरना मैं तुम्हारे परिवार से अपने घर का काम करवाऊंगा। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए, ना मेरे पास पैसे हैं, ना घर बचा है और ना ही जमीन। कहने के लिए बस एक परिवार बचा था और उसे भी आप बंदी बनाकर काम करवाना चाहते हैं। ले आओ इसके बड़े बेटे को मेरे घर पर काम पर रख लो। जब ये सारे पैसे दे जाए तब इसके बेटे को छोड़ देना। जमींदार का गांव वालों में इतना खौफ था कि वो जहां से भी जाया करता लोग बाग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते। पता नहीं इस जमींदार से छुटकारा कब मिलेगा। रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। आखिरी बार मैं कब सोई हूँ मुझे ये भी याद नहीं है। आखिरी बार मैं माँ की गोद में सोया था, घंटों सोया था, नींद खुली नहीं रही थी, इतना सोया था। और अब 3-4 दिनों से मैं सोया ही नहीं हूँ। पता नहीं फिर वैसा सुकून कब मिलेगा। मैं तुम्हारी दशा बिल्कुल समझ रही हूँ। इस चीज का जल्द से जल्द कुछ उपाय निकालना ही होगा। क्यों ना हम गांव वाले मिलकर पुलिस में शिकायत करें? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम गांव वाले मिलकर उस पापे की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। उसकी असली जगह जेल में ही है। बैकुंठ सारे गांव वालों को जमा करता है और पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां जाकर बैकुंठ अपनी सारी समस्या बताता है। देखो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उस जमींदार की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे और मेरे पूरे डिपार्टमेंट को नौकरी से निकलवा कर तबादला करवा सकता है वो। कृपया करके तुम ये सब मत करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। गांव वाले वहां से भी निराश होकर चले जाते हैं, लेकिन गांव वालों की शिकायत की खबर ठाकुर जमींदार को पता चल जाती है और वो सबसे कहता है, मैंने सुना है कि तुम सारे गांव वाले मेरी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे और उनके नाम भी मुझे पता चले हैं जो गया था। क्यों बैकुंठ? मालिक, मैं तो बस ऐसे ही अपनी माँ के कंगन के गुम हो जाने की शिकायत दर्ज कराने गया था। हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ भी अक्सर बीमार रहती है। लड़को, जाकर इसकी माँ को बाहर लेकर आ जाओ, इलाज मैं करूँगा। जमींदार ने अपने रखे हुए गुलामों से बैकुंठ की माँ को बाहर बुला लिया। तुम्हें अगर मैं बाहर धक्का दे दूं तो तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जमींदार ने इतना कहकर बैकुंठ की माँ को धक्का दे दिया। माँ, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? हम गरीबों को परेशान करके तुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ना? देखना, इन्हीं गरीबों का बोझ तेरे सर पर आ जाएगा और तू झुक जाएगा। मैं भगवती माँ से प्रार्थना करती हूँ, जा, मेरा श्राप है तुझ पर कि तू सारी उम्र कुबड़ा होकर रह जाएगा। उस बुढ़िया के इतना कहते ही बड़ी सी बिजली कड़की, हवाएं जोर से चलने लगी और एक बड़ी सी तेज रोशनी आई जो सीधे जमींदार पर पड़ी जिससे वो कुबड़ा बन गया। ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैं कुबड़ा नहीं बन सकता, नहीं। कुबड़ा बनते ही जमींदार वहां से भाग गया और गांव वाले उसे कुबड़ा बनता हुआ देख दंग रह गए। ये मेरे साथ क्या हो गया, कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ। हे भगवान, ये क्या अनहोनी हो गई भगवान। ये सब किए हुए आपके पाप और अधर्म का नतीजा है। चंद रुपए ही तो लिए थे मैंने लोगों से, उसका इतना बड़ा अंजाम मैं कैसे सहूं। हे भगवान। बात चंद रुपए की नहीं है, बात गरीबों से मिलने वाली हाय और बुरे कर्मों की सजा है। कहीं आपका ये श्राप मुझे और मेरे बच्चों को ना लग जाए, इसीलिए मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, अपने बच्चों को साथ लेकर। जमींदार के कुबड़ा होने के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने बच्चों को ले जाती है। जमींदार की हालत बहुत खराब होती है
कई महीने बीत चुके होते हैं और इस दौरान कुबड़ा कई सारे वैद्य, हकीम और अन्य डॉक्टर को अपने कुबड़ेपन के इलाज के लिए पूछता है। इस चीज का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा कुबड़ापन शायद कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा मत कहिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस चीज का कोई तो उपाय होगा। इस चीज में तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जिनकी वजह से तुम्हें ये कुबड़ापन मिला है, तुम उनसे जाकर अपने किए की क्षमा मांग लो, तब कहीं तुम ठीक हो जाओगे। भूलो मत वैद्य, मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार ठाकुर हूँ और ठाकुर कभी किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाता। खेत खलिहान कुएं फसल सब कुछ मेरा है, और तुम कह रहे हो कि मैं उनसे माफी मांगू? तुम में अब भी कितना घमंड बचा हुआ है, तुम ऐसे हाल पर ही ठीक हो। कई दिन और बीत जाते हैं, कुबड़े जमींदार का कुबड़ापन बिल्कुल ठीक नहीं होता। लाचार और थक हार कर वो उसी बुढ़िया के घर के पास जाता है और कहता है, तुम्हारे श्राप से मैं इतना सब भोग चुका हूँ, कृपा करो मुझ पर रहम करो। मैं अब से किसी गांव वाले या किसी भी बेगुनाह पर कोई भी जुल्म नहीं करूंगा। तुमने पूरे गांव का जीना हराम किया था, उसी का श्राप तुम भुगत रहे हो। मुझे माफ कर दो और इसका कोई उपाय बताओ। मैं सबकी जमीनें सबको वापस कर दूंगा, उनके पैसे भी, और जब तक तुम्हारी माता मुझे इस चीज का उपाय नहीं बताएंगी ना, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। कुबड़ा उस बुढ़िया के घर जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसे गिड़गिड़ाता देख बुढ़िया ने उससे कहा, अगर तुम्हें कुबड़ेपन से ठीक होना है तो तुम्हें पूरे गांव को खुश करना होगा, तब जाकर तुम्हें इस कुबड़ेपन से छुटकारा मिलेगा। मैं हर एक चीज करने के लिए तैयार हूँ, अब जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। इस कुबड़ेपन में रहने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। तब वो बुढ़िया उसे अपने आंगन के एक छोटे से मंदिर के पास ले जाती है जो भगवती माँ की थी। यह क्या है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? ये भगवती माँ का मंदिर है, इस मंदिर के प्रसाद को तुम्हें सारे गाँव वालों को खिलाना है, और उनसे लिए हुए जमीन और पैसे तुम्हें उन्हें वापस लौटाना होगा। ऐसा करने से तुम ठीक हो जाओगे। मैं ऐसा ही करूँगा। कुबड़े ने वैसा ही किया, सभी गांव वालों के घर निमंत्रण देने गया। मैंने जो भी गलती की है मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पैरों में भी गिरने के लिए तैयार हूँ। पैरों में गिर कर नहीं, कुछ करो तो मानो। कुबड़े ने अपने घर में एक बड़ी सी दावत तैयार करवाता है। भगवती माँ के चरणों में प्रसाद चढ़ाकर वो लोगों को दावत देता है। खाना तो बड़ा अच्छा बना है, क्या बात है, अच्छी नीयत से खिलाया है लगता है, पेट भर कर खाओ। जमींदार के दावत देते ही सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओगे। और उसके तुरंत बाद ही कुबड़े जमींदार पर एक बड़ी सी रोशनी आती है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये क्या, मैं अपने असली अवतार में आ गया। जय भगवती माँ की, जय भगवती माँ की। जमींदार की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अपने असली रूप में आकर उसने गांव वालों को पूरे एक महीने तक दावत दी, सबके पैसे उसने लौटा दिए और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगा। मानसी अनाथालय में बड़ी हुई थी। अनाथालय की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने मानसी को उसकी माँ के बारे में बस इतना ही बताया था कि उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद ही मर गई थी। एक दिन अनाथालय में एक दंपत्ति आया। मेरा नाम संजय है। और मेरा नाम कमला है। हमारी इतनी उम्र हो गई, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। हम आपके अनाथालय से एक लड़की गोद लेना चाहते हैं। उसकी उम्र कितनी भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने भी चाहें, उतने पैसे हम आपको दे देंगे। बूढ़ी औरत पैसों के लालच में आ जाती है। चलिए मैं आपको लड़कियां दिखा देती हूँ।
संजय और कमला सभी लड़कियों को देखते हैं। उन्हें मानसी पसंद आ जाती है। दंपत्ति 1,00,000 देकर और सारा पेपर वर्क पूरा करके मानसी को खरीद लेता है। मानसी सोच रही थी कि उसे एक नई और अनाथालय से बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। मिस्टर संजय व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे और उनकी पत्नी मानसी से घर का सारा काम कराती और खाने को मात्र एक टाइम एक रोटी दिया करती थी। सुन, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, लौट कर आऊँ तो खाना बना मिलना चाहिए, वरना चप्पलें मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। मानसी दिन भर काम करके बहुत थक चुकी थी, इसीलिए खाना बनाते बनाते उसे नींद आने लगी। वो सब्जी चूल्हे पर रख कर सो गई। जब कमला घर लौटी तो उसने देखा कि मानसी किचन में सो रही है और सारी सब्जी जल चुकी है। कमला लात मारकर मानसी को जगाती है। क्यों री, सब्जी जलकर राख हो गई और तू यहाँ पड़ी पड़ी सो रही है? रुक अभी, तुझे पीटते पीटते मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं। आज मैं तेरी डंडे से पिटाई लगाऊंगी। कमला डंडा लेने जाती है। मानसी डर के मारे घबरा जाती है और वो घबराहट में किचन की खिड़की से कूद कर भाग जाती है। मानसी 1 घंटे लगातार दौड़ती ही रहती है। उसे डर था कि कहीं कमला उसके पीछे आकर उसे पकड़ ना ले। वो कुएं के पास रुक जाती है। कुएं के बराबर में एक गुलमोहर का पेड़ था। मानसी कुएं में मटका डालकर कुएं से पानी बाहर निकालती है और गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने लगती है। गुलमोहर की पत्तियां पीली पड़ चुकी थी। अचानक मानसी के हाथ से मटका फिसल गया और पानी जमीन पर गिर गया। गुलमोहर का पेड़ अचानक से हरा भरा हो गया और उससे आवाज आने लगी। ए लड़की, तूने मेरी जड़ों को पानी देकर मुझे एक बार फिर से हरा कर दिया है। मुझे श्राप प्राप्त था कि जब तक कोई कुंवारा इंसान मेरी जड़ों को पानी ना दे तब तक मैं हरा नहीं हो पाऊंगा। आज मैं तुम्हारी वजह से श्राप से मुक्त हो गया हूँ। मैं एक जादुई गुलमोहर का पेड़ हूँ जो लोगों को सही रास्ता बता सकता है। मैं एक घर से भाग कर आ रही हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए? तुम दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर जाओ, वहाँ एक दंपत्ति की जवान बेटी कुछ साल पहले मर चुकी है, वो तुम्हें पनाह देंगे। मानसी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। एक औरत घर के आगे खड़ी थी। बेटी, तुम कौन हो? इतनी रात में कहाँ भटक रही हो? माँ जी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मुझे पनाह चाहिए। तुम हमारे घर रह सकती हो। मानसी मिसेस जैनी के घर रहने लगती है। मिसेस जैनी के पास पहुंचकर मानसी को एक बेहतर जिंदगी मिलती है। उन्होंने उसे नए कपड़े और अच्छा खाना खाने को दिया। मिसेस जैनी
और उनके पति दोनों ही मानसी को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। कमला को जब ये बात पता लगी कि मानसी यहाँ से कुछ दूर मिसेस जैनी के घर में खुशहाल जीवन बिता रही है तो उसका खून खौल गया। यहाँ से भागकर वहाँ मजे कर रही है, बताती हूँ इसे। कमला कुछ गुंडों को पैसे देकर कहती है, मिसेस जैनी के घर एक लड़की रहती है, तुम्हें उस घर पर नजर रखनी है और जैसे ही मौका मिले लड़की को यहाँ उठाकर ले आना है। एक रात जब मिसेस जैनी और उनके पति एक शादी समारोह में गए हुए थे तो गुंडे मौका देखकर उनके घर में घुस गए। मानसी ने गुंडों के सर पर डंडा मारा और घर से बाहर भागी। वो दौड़ते दौड़ते उसी जादुई गुलमोहर के पेड़ तक पहुंच गई। हे जादुई गुलमोहर, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मुझे किस दिशा में भागना चाहिए? फिर तुम पूर्व दिशा की ओर भागो। मानसी पूरब की ओर दौड़ती है, गुंडे भी उसके पीछे जाते हैं। मानसी को रास्ते में एक यंग पुलिस इंस्पेक्टर मिल जाता है। गुंडे इंस्पेक्टर को देखते ही भाग खड़े होते हैं। इंस्पेक्टर और मानसी को एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मिसेस जैनी मानसी की शादी पुलिस इंस्पेक्टर से कर देती हैं। तभी तो कहते हैं कोई किसी के साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश करे लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। एक गांव में शांति देवी अपने बेटे विनय के साथ रहती थी। शांति देवी गरीब थी। उसका बेटा विनय साइकिल पर बड़े बड़े डब्बे लादकर घर घर जाकर दूध और सब्जी बेचा करता था। विनय की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाली एक लड़की रीमा से हो गई थी। शादी को अभी दो दिन ही हुए थे कि विनय की साइकिल को, शांति बहन, अब ये मत कहना कि पड़ोसन ने ऐसा कह दिया। कोई बात नहीं बहन, अब बोलो ना क्या हुआ। तुम्हारी बहू के पैर अच्छे नहीं हैं। देखो आते ही विनय का एक्सीडेंट हो गया। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही शक था। अरे ये शक नहीं, सच है। सच में ही तुम्हारी बहू के पैर अच्छे नहीं हैं। अब तो विवाह हो गया है, अब इसे कैसे बदलूं? तुम अभी इसको घर से निकाल दो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आज ही ऐसा करूंगी। हाँ, घर में सुख शांति के लिए ये बहुत जरूरी है। गांव की वो महिला शांति के कान भरकर चली गई। शांति अपनी बहू रीमा को घर से निकालने की योजना बनाने लगी। विनय बेड पर लेटा हुआ था, तभी वहाँ शांति भी आ गई। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान लग रही हो? मुझसे एक पाप हो गया है। कैसा पाप माँ? मैंने तेरी शादी एक गलत लड़की से करा दी है। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? हाँ, इसकी वजह से ही हुआ है ये सब। माँ ऐसा कुछ नहीं होता। तू चुप रह, तू इस मामले में कुछ ना बोल, मैं इसको घर से निकाल कर ही रहूंगी। माँ आप रीमा के लिए ऐसे कह सकती हो? वाह जी वाह, वो दो दिन में इतनी प्यारी हो गई कि अब अपनी माँ से लड़ रहा है। जा रही हूँ मैं, लेकिन ध्यान रख, मैं उसे इस घर से निकाल के ही रहूंगी। रीमा घर का काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसके पास पहुंची। अम्मा जी, हम तुम्हारे लिए बढ़िया मसालेदार सब्जी बनाए रहे हैं। बस बस, मुझे जरूरत नहीं है। क्या हुआ अम्मा जी, पेट खराब हो तो हम खिचड़ी बना देंगे तुम्हारे लिए। पेट नहीं, मेरी जिंदगी खराब है और ना जाने अभी क्या क्या बाकी है। क्या हुआ अम्मा जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तू मनहूस होने के साथ साथ पागल भी है। अम्मा जी, अब हम क्या कर दिए जो तुम हमी को उलट पुलट बोल रही हो। तेरे आते ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तेरे पाँव मोटे हैं। अम्मा जी
हमारे पाँव किसी फैक्ट्री में ना बने, सबको भगवान ही बनाए रहे। मेरे घर में अब कोई कमाने वाला भी नहीं है और तू अब जुबान लड़ा रही है। अम्मा जी, ये घर हमारा भी है और अब हम कमाएंगे। इस गांव में किसी की बहू बाहर कमाने नहीं जाती, क्योंकि बाकियों की बहू मनहूस ना है अम्मा जी, सिर्फ हम हैं, तो हम ही जाएंगे बाहर कमाने। हम साइकिल चला लेते हैं। अब तुझ पागल से कौन मुंह मारे। शांति बुदबुदाकर वहां से चली गई। रीमा ने अपने पास से कुछ पैसे लिए और साइकिल लेकर घर से निकल गई। धूप बहुत तेज थी, उसे विनय की भी चिंता थी। उसके चेहरे से आंसू और पसीना एक साथ बह रहे थे। वो सब्जी बेचने के लिए एक खेत पर गई। काका, ओ काका, हम सब्जी बेचते हैं, हमें बेचने के लिए सब्जी चाहिए। लेकिन इस समय तो सब्जी नहीं मिलेगी, शाम और सुबह को सब्जी ले लेना। काका, अभी हमें खाली हाथ मत भेजिए। मेरे पास कुछ नींबू रखे हैं, अगर तुम आज वो बेचना चाहो तो ले सकती हो। ठीक है काका, नींबू ही दे दो, लेकिन ठीक ठाक लगाना, ताकि चार पैसे मुनाफा हम भी कमा लें। हाँ बिल्कुल ठीक लगाऊंगा। काका ने नींबू पैक कर दिए। रीमा वो लेकर बाजार चली गई और वहाँ एक जगह जमीन में ही दुकान लगाकर बैठ गई। नींबू ले लो नींबू, गर्मी में नींबू बचाए जान, डॉक्टर के पास जाने से बचाए नींबू। नींबू का पानी पियो, स्वाद भी लो और दवाई से भी बचो। रीमा की अच्छी बात सुनकर वहाँ कुछ ग्राहक आ गए। अरे बहन, आप तो नींबू के साथ साथ जानकारी भी दे रही हो, वरना कौन करता है इतना। लाओ मुझे भी नींबू दे दो। हाँ हाँ जरूर, और रोज आया करना। रीमा ने अपने बोलने के अंदाज से ही जल्दी ही सारे नींबू अच्छे दाम में बेच दिए और रोजाना यही सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे उसका नींबू का व्यापार बढ़ गया। कुछ दिनों में विनय की चोट भी ठीक हो गई। रीमा, तुमने बहुत मेहनत की है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं भी तुम्हारे साथ काम में मदद करूँगा। हाँ जी, अब हम मिलकर अपना व्यापार बड़ा कर लेंगे। रीमा और विनय ने एक ठेली ले ली और उस पर बहुत सारे नींबू रख लिए। धीरे धीरे वो काम बहुत चलने लगा। हम नींबू का अचार मुरब्बा बना लेते हैं, तो क्यों ना ये सब बेचने लगे। तुमने शादी के तुरंत बाद ही पूरे घर को संभाला, अब इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। काहे ना है जी जरूरत, अब कब तक इस ठेले पर रहेंगे, हमें आगे भी तो बढ़ना होगा ना। तुम तो मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। अब रहने भी दीजिए, झूठी तारीफ करना ज्यादा सही ना है। अरे झूठ कहाँ, सब सच ही तो कह रहा हूँ मैं। मेरे पैर मोटे हैं, मैं मनहूस हूँ। माँ की बातों का बुरा मत मानो। रीमा ने अचार और मुरब्बा बनाना भी शुरू कर दिया, साथ ही नींबू और नींबू की शिकंजी भी बेचने लगी। देखते ही देखते ये व्यापार बहुत बढ़ गया और अब उन्होंने एक बड़ी सी दुकान खोल ली, जिसमें कुछ महिलाएं भी आकर नौकरी करने लगी। दुकान के उद्घाटन में शांति भी आई। वहाँ बहुत लोग नींबू वाली बहू की सफलता की कहानी सुनने आए थे। नींबू वाली बहू की सफलता की कहानी आज आप सभी को मैं सुनाऊंगी, शायद इससे मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा। मेरी बहू को मैंने मनहूस कहकर घर से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि पैरों का पतला या मोटा होना किसी के गुण को नहीं दर्शाता है। अपने बेटे के एक्सीडेंट का दोष भी मैंने अपनी बहू के सिर पर ही रख दिया था, लेकिन अगर वो आज नहीं होती तो हम सब यहाँ इकट्ठा नहीं होते। रीमा ने कड़ी धूप में और कड़कती सर्दी में भी साइकिल से मेहनत की है। मैं ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी के कदम पड़े हैं। मुझे माफ कर दो रीमा बेटी। सभी लोगों ने तालियां बजाई और रीमा और उसकी सास शांति की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे।